अगर आप स्टेप थ्री पर हैं और अपने क्वेश्चंस को एडिट करना चाहते हैं या फिर अपना खुद का एक क्वेश्चन इसमें डालना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए दो ऑप्शन हैं। एक, आप माई क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना एक क्वेश्चन ऐड करेंगे। क्रिएट न्यू क्वेश्चन पर क्लिक करके अपना कोई एक क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, या फिर पहले से कोई क्वेश्चन आपने डाला हुआ है तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ एडिट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे और इधर जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है उसी क्वेश्चन को आप एडिट कर लेंगे। तो एडिट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे, यहाँ इस एडिट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो अपना क्वेश्चन ऐड करने के लिए हम पहले क्वेश्चन को डिलीट करेंगे और फिर अपना क्वेश्चन यहाँ टाइप करते हैं। तो मैंने लिखा दीज आर टेस्ट क्वेश्चंस। अब अगर मुझे इसमें सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट यूज़ करनी है जैसे एक्स पावर टू, तो हम ये पावर लेते हैं और इधर इस टू पर क्लिक करते हैं और उसके बाद दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो आप नॉर्मल आ जाएंगे। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूँ, वाई पावर थ्री, तो इस थ्री को सेलेक्ट किया और आपने इस पर क्लिक कर लिया। अगर मैं यहीं पे लिखूँगा तो ये इस तरीके से सब सुपरस्क्रिप्ट में ही लिखता हुआ चला जाएगा, तो आपको यहाँ दोबारा क्लिक करना है ताकि आप नॉर्मल फ्लो में लिखना शुरू कर सकें। इसी तरीके से आप इस सबस्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लिखना है टू देन क्लिक दिस, देन टू अगेन क्लिक दिस, और इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आता है कि अगर आपको यहाँ पर नंबर्स डालने हैं तो वो कैसे डालेंगे। आप इस पर नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप नंबर में भी कुछ लिख सकते हैं। और अगर इस नंबर को आपको ए बी सी डी रखना है 1 2 3 के बजाय, तो आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ नंबर लिस्ट प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे ए बी सी। आप यहाँ रोमन नंबर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ हम ए बी सी सेलेक्ट करते हैं और क्लिक ओके। तो ये अब ए बी सी में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको सिंपल डॉट्स के साथ स्टार्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, सिंपल क्लिक किया तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट कहाँ से, इधर से आया आपका। और जब ये हो गया तो आप इस लिस्ट को हटा दीजिए तो ये हट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि क्वेश्चन के अंदर अगर आपको टेबल इंसर्ट करनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ टेबल के लिए ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे कि कितने रोज और कॉलम्स आपको डालने हैं। तो लेट्स सी कि हम लेते हैं कि 5 रोज ले लेते हैं और 2 कॉलम्स ले लेते हैं। यहाँ विड्थ 500 है जिसको आपको 100% करना चाहिए। सेल स्पेसिंग को 0 रखना चाहिए और सेल पैडिंग मिनिमम 3 से 4 के बीच में रखनी चाहिए। तो बॉर्डर साइज़ 1 रखा है ताकि इसका बॉर्डर भी बन के आएगा। तो हम इसको ओके करते हैं तो यहाँ पर ये टेबल इंसर्ट हो गई है। तो आप इस टेबल में कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद टेबल के एंड में आपको अगर टेबल से नीचे भी कुछ लिखना है तो टेबल के एंड में जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप टेबल के नीचे वाली लाइन पर आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ इमेज ऐड करनी है, जैसे कोई मैप इंसर्ट करना है या कोई फ़ोटो इंसर्ट करनी है, तो उसको इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में जाकर एक इमेज को डाउनलोड करना होगा, या फिर आपके पास ऑलरेडी आपके लैपटॉप में या फिर मोबाइल फ़ोन में कोई इमेज है तो आप सीधे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम गूगल में जाते हैं और यहाँ पर जाकर इंडिया पॉलिटिकल मैप, सो इंडिया पॉलिटिकल मैप मैंने यहाँ सर्च किया। मैं इमेजेस पे गया और इमेजेस पे जाने के बाद मैं इस वाले मैप को ले लेता हूँ और इसे हम कर लेते हैं सेव इमेजेस, और इसको हम अपने डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं टेस्ट मैप के नाम से। अब इसके बाद हम अपने इंटरफेस पर वापस आते हैं। यहाँ ये जो आई का बटन है इसे हम क्लिक करेंगे। मैंने इसको मैप को सेलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक किया तो ये मैप यहाँ पर ऐड हो गया। अगर ये मैप आपको बहुत बड़ा लग रहा है या फिर इसमें कोई और चेंजेस आपको करने हैं, कोई भी इमेज आप डालते हैं उसको रीसाइज़ अगर आपको करना है तो आप उस इमेज पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ विड्थ और हाइट उसकी सेट कर देंगे। आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि एक A4 साइज़ पेज की जो नॉर्मल विड्थ होती है लगभग 550 पिक्सल्स होती है, तो यहाँ पर विड्थ उसी हिसाब से आप सेट कर सकते हैं कि अगर पूरे पेज में आपको रखना है तो 550 पिक्सल के आसपास, अदरवाइज़ आधे पेज में रखना है तो 250 पिक्सल के आसपास आप रख सकते हैं। तो मैं इसको 250 करता हूँ और हाइट ऑटो सेट हो गई है। तो ये लॉक आपको ओपन के बजाय क्लोज फॉर्मेट में रखना है ताकि हाइट इसकी ऑटो सेट रहे, और इसको हम लोग ओके कर देते हैं तो ये मैप आ गया है। इसी तरीके से कोई और भी इमेज अगर आपको डालनी है तो वो आप अपने लैपटॉप में जो भी सेव्ड है या फिर आपके मोबाइल फ़ोन पर जो सेव्ड इमेज है उसको भी सीधे इस आई वाले बटन पर क्लिक करके डाल सकते हैं।
इसको हटाते हैं। नेक्स्ट अभी हम लेते हैं कि अगर आपको कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी है तो उसे कैसे लिखा जाए। तो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने के लिए आप इस सबमिशन बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन को आप लिख सकते हैं। बट यहाँ आप नोटिस कर रहे होंगे कि इक्वेशन को एक अलग फॉर्मेट में लिखा गया है और उसका जो रिज़ल्ट है स्क्रीन पर वो अलग फॉर्मेट में आ रहा है। तो कुछ चीज़ें बेसिक हैं जो आपको मालूम होंगी तो आप बहुत जल्दी से काम कर सकेंगे। जैसे कि फ्रैक्शन लिखने हैं, 1/2 लिखना है तो आप लिख सकते हैं राइट स्लैश FRAC स्पेस कर्ली ब्रेसिस 1 कर्ली ब्रेस क्लोज अगेन कर्ली ब्रेस 2 तो ये 1/2 होगा। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को लिख सकते हैं। बट अब इतनी सारी चीज़ें याद करना बहुत मुश्किल है, इसके लिए हम आपको एक और इंटरफेस बताते हैं जिसको यूज़ करके आप इन मैथमेटिकल इक्वेशंस को लिख सकते हैं। तो मैट टाइप या मैथमेटिकल इक्वेशंस को ऐड करने के लिए ये एक लिंक हम आपको दे रहे हैं, demo.varesh.com/mattype/en/developers.php। ये लिंक आपको ओपन करना है और जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस स्क्रीन पर आएगा और यहाँ पर किसी भी तरह की मैथमेटिकल इक्वेशंस को आप लिख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, जो भी मैथमेटिकल इक्वेशंस, यहाँ तक कि मैट्रिसेस भी आप बना सकते हैं या फिर और भी इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस हैं उन सबको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर ये रूट के साथ है, तो ये मैंने लिया √2 स्पेस लगाया और इसके बाद यहाँ पर इंटू मैं फिर ले लेता हूँ यहाँ पर 2/3/5 और ये इस तरीके से जो भी आपको लिखना है। इसके बाद अगर मैं डिवाइड का मार्क लगाऊं डिवाइड और देन हम ले लेते हैं यहाँ पर ये समीशन का निशान ये ले लिया और 3, तो इस तरीके से जो भी आपको लिखना हो आप यहाँ टाइप करेंगे और इधर आप देखेंगे राइट साइड में यहाँ लेटेक्स लिखा है, तो लेटेक्स में जो ये कोड है इस कोड को आप कॉपी कर लेंगे। मैंने किया इसको Ctrl+C और इधर हम अपने वाले इंटरफेस पर वापस आते हैं और यहाँ फिर इस सबमिशन पे क्लिक करेंगे और इस जगह पर इसको डिलीट करके आप इसको Ctrl+V कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो ये आपका मैथमेटिकल इक्वेशंस यहाँ पर आ गई। तो ऐसे आप मैथ की इक्वेशंस को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन बैंक में अपना एक नया क्वेश्चन ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन बैंक पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्रिएट न्यू क्वेश्चन में जाते हैं। सारा डेटा फिल करने के बाद जब आप क्वेश्चन को ऐड करते हैं और इस पेंसिल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी वही वाला इंटरफेस आता है और यही सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की थी आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। सो चाहे आप क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन ऐड कर रहे हों या फिर Step 3 में क्वेश्चन को एडिट कर रहे हों, दोनों ही केसेस में आप इस तरीके से अपना क्वेश्चन इंसर्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन में इमेजेस डाल सकते हैं, टेबल डाल सकते हैं, नंबर्स और बाकी तरह की लिस्ट को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे आप यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन को हटाकर अपना कोई क्वेश्चन यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। दो तरीके हमने डिस्कस किए, पहला कि माई क्वेश्चन में जाएंगे और वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन को डाल के यहाँ पर लेके आएंगे, दूसरा सीधे यहीं पर एडिट क्लिक करेंगे और यहीं पर ही अपने क्वेश्चन को इंसर्ट करेंगे और जो भी चेंजेस आपको उसमें करने हैं आप यहाँ पर कर लेंगे।